चलिए हम धो देंगे, आप खुद से खाइएगा। और एक ये देखिए ना, वो तो सारा हुआ, ये तो सारा हुआ, ये लीजिए एप्पल लीजिए, एप्पल लीजिए, और ये भी लीजिए, सब गिरा दिए ना। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो देखिए आज हमारे तब आप लोगों को दिखाते कितना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम है, धूप भी नहीं है और मौसम एकदम ठंडा ठंडा बारिश जैसा है। और पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरे पति देव जी बाहर, इनको भी घर में रहते रहते इतना बोर हो गए थे, बोले हमको बाहर लेके चलो, आज धूप नहीं है, हम बाहर में व्हील चेयर चलाएंगे, रोड पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको। देखिए कितना मेहनत कर रही है, आइए 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 आइए, क्या चढ़ानी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा नीचा है ना रोड, इस वजह से थोड़ा सा और करिए, जोर से लगाइए पीछे से ताकत। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग की तरफ कितना अच्छा मतलब हवा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग, मन ही नहीं कर रहा है घर जाए, मन करता है यही रहे। अमरुद फरा है क्या, देखिए तो जाके वहाँ पे अमरुद, हम देख के आए, आते हम देख के आपके लिए लेके भी आएंगे, ठीक है, एक सेब और एक अमरुद दोनों, अगर बड़ा होगा तो फालतू मत तोड़ना, ठीक है, पेड़ खराब हो जाता है ना। चलो सचिन चलते हम लोग, भैया यही रहने दो, ये अपना यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये तो अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ये ऊंचा नीचा जगह है, व्हील चेयर इनका जाएगा तो फंस जाएगा इस वजह से। तो चलिए अभी हम चलते हैं और देखते हैं सेब फड़ा है कि नहीं। एक दिन तो लाया था अरियान, उसमें देखे तो छोटा सेब खाने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वही छोटा था तो थोड़ा खट्टा लग रहा था, और अभी देखते हैं इसमें बड़ा हुआ कि नहीं। इसमें तो सेब दिख ही नहीं रहा एक भी, हाँ है सेब है, ये देखिए आप लोग, हम दिखाते हैं अभी आप लोग को, बहुत ऊपर में एक बड़ा सा है, वहां पे एक ऊपर में बड़ा सा, कैसे तोड़े, बाद में तोड़ेंगे, मन कर रहा है एक तोड़ने का, एक हम तोड़ के रहेंगे, हमको तोड़ना है तो फ्रेंड, हम मेरा मन है एक तोड़ने का, हम एक तोड़ेंगे, नहीं हम थोड़ा सा ऊपर उठ के ही तोड़ लेते हैं ना, पहुंच ही नहीं पा रहे हम ऊपर, यहाँ तो है ये आज, हाँ तो ये देखिए हम एक एप्पल इसमें से तोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है तोड़ने का। ये देखिए इसको अभी हम घर ले जाके धोएंगे और हम अपने पति देव जी को खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, और देखते उधर घी रहा है देख के आना, अमरुद, वाह अमरुद भी, अमरुद इतना बड़ा है, इतना बड़ा अमरुद है, ले ले एक, हाँ पका हुआ है एक, ये देखिए आप लोग अमरुद, ये देखिए आप लोग अमरुद कितना अच्छा है। इस पेड़ में ना अमरुद बहुत सारा था, लेकिन बीच में बारिश नहीं हो रहा था, उस वजह से मतलब बहुत सारा फल इसमें से गिर गया था। और ये देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है, लेकिन अभी कच्चा है तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे, जो पका हुआ होगा उसको तोड़ेंगे। और दूसरा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा खराब भी है, पता नहीं अंदर सड़ा होगा कि अच्छा होगा, पता ही नहीं, तो हम दूसरा एक और तोड़ लेते, लेकिन वो थोड़ा सा पका होगा तब तोड़ेंगे। हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए आप लोग, अभी हम इसमें से एक एक तोड़ लेते, ये देखिए ये देखिए, तो चलिए इनके लिए एक एप्पल और दो ये अमरूद, एक एप्पल और दो अमरूद हम उनके लिए लेके चलते हैं। हमको सब कुछ ताजा ताजा बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पेड़ से तोड़ा हुआ। और एक देखिए यहाँ पे घिवरा भी फरा हुआ है, वैसे तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना सारा, सब ये सारा ना घिवरा का ही पेड़ है, लेकिन बारिश के वजह से सब खराब हो गया है, तो इस वजह से इसमें घिवरा नहीं, अभी एक है, अब धीरे धीरे मतलब जब पेड़ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना तो फिर अपने इसमें ढेर सारा आएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं, मम्मी देखेगी तो बोलेगी सेब भी तोड़ के ले आए हम, तो ये लीजिए आप पकड़िए हाथ में, कितना अच्छा अमरुद, चलिए हम धो देंगे, आप खुद से खाइएगा। और एक ये देखिए ना, वो तो सारा हुआ, ये तो सारा हुआ, ये लीजिए एप्पल लीजिए, एप्पल लीजिए, और ये भी लीजिए, सब गिरा दिए ना, गिरा दिए ना सब।
तो अभी हम आ गए हैं घर में और ये देखिए सुबह से ही बैठे हुए थे, एक्सरसाइज भी किए हैं और ये थक गए बहुत ज्यादा, तो बोले पैर नीचे कर दो और हम पैर नीचे कर देते हैं इनका और ये आराम करेंगे और हम आते हैं पानी भर के, क्योंकि अब हम इनको ले जाएंगे नहाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरे पति देव जी सोए हुए, वो इतना ज्यादा थक जाते हैं ना एक्सरसाइज करके, फिर उनको नहला दिए उसके बाद वो रेस्ट कर रहे। और यहाँ देखिए रियांश को, रियांश मामे जी के साथ मस्ती कर रहा है, इसको निन्नी नहीं आता है दिन में। तुमको निन्नी नहीं आ रहा है रियांश? हाँ नहीं। सो जाओ ना तुम भी, सो जाओ, सो जाओ। क्या करने का मन है तुम्हारा? खेलने का मन है, पूरा दिन खेलते ही रहेगा। तो देखिए रियांश पूरा दिन इतना, मतलब पूरा दिन उछल कूद करता है, खेलता है, रात में ऐसा सोता है ना इसको एकदम सुबह में ही जाके नींद खुलता है, इतना थक जाता है ये लड़का। तो फ्रेंड अभी 10:15 बज चुका है, रात हो गई है और देखिए हम उनका बेड तैयार कर देते हैं, क्योंकि हम लोग खाना पीना खा के अब उनको बेड पे देना है। लेकिन अभी भी एक एक्सरसाइज आप लोग सोच सकते हैं, खाना खाने के बाद भी एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो अभी हम उनको वो वाला एक्सरसाइज करा देते हैं फिर उनको बेड पे देंगे। पहले हम इसको बिछा देते हैं, उनका बेड रेडी हो जाएगा तो सही रहेगा। और यहाँ रियांश को देखिए कितना प्यार कर रहा है मामा जी को और बोल रहा है आज मामा जी के साथ ही निन्नी करेगा ये। रियांश, रियांश मामा जी के साथ निन्नी करेगा? हाँ बोल रहा है। हाँ चलिए अभी इनको स्पायरोमीटर फुका देते हैं, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको ये फूकेंगे। लीजिए उधर देखिए रियांश भी वैसे ही कर रहा है जितना बार आप कर रहे हैं उतना बार, जितना बार ये फूक रहे उतना बार रियांश भी फूक रहा है बांसुरी में। उल्टा आप तुम भी उल्टा करो, मामा जी उल्टा कर दिए इसको। हाँ वो भी गोल घुमा रहा है बांसुरी। मामा का कॉपी कर रहा है रियांश, मामा का कॉपी। तो ये देखिए हो गया इनका एक्सरसाइज, ये लास्ट एक्सरसाइज रहता है इनका, ये खत्म हो चुका है। चलिए अभी हम इनको देते हैं, इसको भी रख दे, रियांश भी कर लिया है इसको भी रख देते हैं। तो इनका ऊपर रखे, तो इनका एक्सरसाइज खत्म हो गया और अभी हम इनको देंगे बेड पे, काहे कि ये काफी थक भी गए हैं, खाना पीना खत्म, अब जाना है बेड पे। तो आज का ब्लॉग यही पे खत्म करते हैं, इसको भी जाना बेड पे, दिखा दो एक बार बेड पे जा रहा है, मामा जी का बेड है। अच्छा वो जा रहा है वहां पे। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।